राधे राधे दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है सब्जी। दीपिका अलार्म में बजते ही उठ जाती है, क्योंकि 5 मिनट का भी आलस किया तो उसे देर होना तय था। फटाफट चाय चढ़ाकर फ्रिज खोला, पर कोई सब्जी नहीं थी। ओहो, वो कल बिजी थी तो सब्जियां लाना ही भूल गई थी। उसने आलू उबाले और आटा गूंथकर रख दिया, सबको चाय दे दी, फिर फटाफट पराठे सेकने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ उठ गई और गर्म पानी देने का आदेश दिया। वो टेबल पर ही रखा था, पर उन्हें हर चीज हाथ में देनी होती थी, वरना उन्हें लगता था कि इस बुढ़ापे में भी खुद से काम करना है तो बहू को लाने से कोई फायदा ही नहीं है। दीपिका ने ही पानी दिया और ससुर जी देवर ननद और पति के जूठे कप सिंक में रख दिए, साथ में सासू माँ के लिए भी चाय चढ़ा दी। पति, बच्चों, ननद और देवर और अपना सबके लिए टिफिन पैक कर दिए, फिर सबको गर्मा गर्म नाश्ता करवा दिया और बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने चली गई। रास्ते में बच्चों ने पूछा, मम्मी आज टिफिन में क्या रखा है, तो वो तेज स्वर में बोली, जो रखा है चुपचाप खा लेना, तुम लोगों के तो नखरे ही खत्म नहीं होते, और रोज की रोज क्या गर्म और क्या नया बनाकर रखूं। बच्ची बस में बैठकर चले गए। वो आते वक्त बाहर सब्जी के ठेले पर गई, पर सब्जियां अच्छी नहीं थी और देरी भी हो रही थी, तो बिना लिए ही आ गई। उसने सोचा वो स्कूल से आते वक्त ले आएगी, ये सोचकर वो वापस आ गई और अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई और फटाफट स्कूटी से स्कूल की ओर चल दी। टीचर की नौकरी भी आजकल कहाँ आसान रह गई है, कितने सारे काम करने होते हैं, पढ़ाने के साथ वर्कशीट भी बनाओ, बच्चों को प्रोजेक्ट्स और पीपीटी का होमवर्क दो, उसमें भी मदद करो, उसे देखो, पूरा चेक करो, साथ में स्कूल की कॉपियां चेक करो, और रोज स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन भी तो होते हैं, सबके लिए समय देना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज और होमवर्क भेजो। स्कूल में पढ़ाना इतना आसान नहीं रह गया है, हर तरह से काम बढ़ गया है। लंच ब्रेक में उसने लंच किया और दोपहर को थक हार के 4 बजे घर पहुंची। बच्चों की छुट्टी तो 2 बजे ही कर देते हैं, पर टीचर्स को 4 बजे से पहले नहीं छोड़ते। ये तो स्कूल पास में है कि वो जल्दी घर पहुंच जाती है, घर पहुंचकर भी कहां चैन मिलता है। 2 घड़ी कमर सीधी नहीं कर पाती कि बच्चे आ जाते हैं, उनका दूध, नाश्ता देखो, सास ससुर की चाय बनाओ, तब तक शाम के खाने का समय हो जाता है। पर आज दीपिका का बहुत सिर दर्द हो रहा था तो उसने फ्रिज खोला, पर सब्जियां तो थी नहीं, तो फटाफट कुकर में दाल बना दी और लेटने चली गई। कुछ ही देर लेटी ही थी कि सबके खाने का समय हो गया। उसने अपने पति देवर और ननद से सब्जियां लाने को कहा, पर सबने मना कर दिया। ससुर जी ने पूछा, बहू ये क्या केवल दाल बना दी है, घर में सब्जी नहीं थी क्या। पापा जी, हाँ घर में सब्जी नहीं थी इसीलिए दाल बना दी, और आज मेरा सब्जियां लाना नहीं हुआ। उसके बोलते ही सासू माँ चिढ़ गई, जबान लड़ाती है, समझ में नहीं आता, तेरे ससुर जी हैं, आज इन्हीं की बदौलत ये घर है और इसमें तू रह रही है। दीपिका चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास के आगे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इतने में ही दीपिका के पति साजन, देवर राजन और ननद नीतू और बच्चे भी आ गए। दीपिका का पति साजन बोलता है, दीपिका ये क्या तुमने टिफिन में आलू के पराठे रख दिए, कोई सब्जी नहीं बना सकती थी। तभी नीतू भी बोलती है, क्या यार भाभी, आलू के पराठे अचार के साथ दे दिए, मेरे ऑफिस वाले तो दम आलू, आलू के कोफ्ते की सब्जी बनाकर लाते हैं, और आप हैं कि आलू के पराठे रख देती हैं, मुझे कितनी शर्म आई। भाभी थोड़ा तो ढंग से टिफिन पैक किया करो, पराठे के साथ खीरे का रायता या कुछ अच्छी तीखी चटनी रख देती। राजन ने भी शिकायत की। तभी बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी
कभी तो पनीर के पराठे या मिक्स वेज के पराठे दे दिया करो। हमारे दोस्त भी यही सब लेकर आते हैं। दीपिका का सर पहले से फट रहा था, फिर भी उसने रात के खाने की तैयारी की थी और उसे इतना कुछ सुनने को मिल रहा था। पापा जी, फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी इसीलिए दाल बना दी थी। आज तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं फिर भी नौकरी करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी खाना तो बनाया है। मम्मी जी, आप तो भजन में रोज मंदिर जाती हैं, वहीं पास में सब्जी की दुकान है, आप एक दो सब्जी ले आती और काट कर रख देती तो मैं झट से बना लेती। साजन जी, नौकरी आप भी करते हैं और मैं भी, पर मेरी जिंदगी में भाग दौड़ कुछ ज्यादा ही रहती है। आपका क्या है, सुबह उठे, चाय तैयार, प्रेस कपड़े तैयार, नाश्ता तैयार, हाथ में लंच बॉक्स तैयार। आप ऑफिस का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आते वक्त सब्जियां भी लेकर नहीं आ सकते हैं। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, पर साथ में कितना कुछ करना पड़ता है। एक दिन सब्जी नहीं लाई तो आपने भी सुना दिया, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, अब सबके हिसाब से ही खाना बनेगा। नीतू दीदी, आप भी ऑफिस से आते वक्त कपड़ों की शॉपिंग कर ले आती हैं, पार्लर होकर आ जाती हैं, तो क्या कभी कभी सब्जियां नहीं ला सकती है? मेरा कुछ काम तो हल्का हो सकता है, और ये दम आलू, आलू के कोफ्ते की सब्जी सुबह नहीं बन सकती, बच्चे हैं, घर का काम भी रहता है। आप तो इन सब से फ्री हो तो आप खुद अपना टिफिन बॉक्स बनाकर ले नहीं जा सकती हैं? राजन भैया, आप तो ऑफिस से जल्दी निकल आते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करने या मूवी देखने जा सकते हैं, तो कभी कभी सब्जी भी ला सकते हैं। माना सब्जी बनाना मेरा काम है, तो क्या लाना भी मेरा अकेले का काम है? वो तो कोई भी ला सकता है, फिर सब्जी घर में हो और कटी हुई मिल जाए तो मुझे भी आसानी हो जाएगी और आप सबको पसंद की सब्जी भी खाने को मिल जाएगी। जिसको जो सब्जी पसंद है वो खुद बाजार से लेकर आ जाया करे तो सब्जी बन जाएगी, वरना जो मेरे पास रखी है वही खानी पड़ेगी सबको। मैं ही अकेली कितनी भाग दौड़ करूं, सुबह से लेकर रात तक मैं मशीन की तरह लगी रहती हूं, फिर भी सब मुझे ही सुना देते हैं। और दीपिका की आंखें भर आई, सब चुपचाप हो गए। तभी ससुर जी बोले, आज से दीपिका सब्जी नहीं लाएगी, तुम सबने मिलकर एक इंसान पर काम का बोझ डाल दिया है, तुम सबकी तरह वो भी नौकरी करती है तो उसे भी पूरा समय और आराम चाहिए। साजन और राजन, तुम दोनों हर संडे को मेरे साथ चला करो, हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आ जाया करेंगे। बाहर तो कभी सब्जियां मिलती है तो कभी सब्जियां नहीं मिलती है। नीतू, तुझे भी आज नहीं तो कल ससुराल जाना है, तू भी नौकरी करती है, अच्छा है, रोज सुबह भाभी की मदद करवा दिया करो ताकि आगे तुझे भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ श्रीमती जी, आपकी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि कुछ काम ना कर सको, बैठे बैठे सब्जियां तो काट कर रख ही सकती हो। आज दीपिका के दिल को सुकून मिला और आज उसे आराम मिल गया। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हरि बोल।